एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जूयो जिस कंपनी में काम करती है आज उन लोगों ने न्यू गेम लॉन्च किया है और वो गेम बहुत ही बड़ा सक्सेस हुआ है जिससे सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सब्सक्राइबर उनका गेम डाउनलोड कर रहे थे जिससे उनकी कंपनी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला था, जिस चीज से लीजन भी खुश होता है और सभी सेलिब्रेट करते हैं। साथ में डोंग कुछ पैसे देता है और कहता है कि हम सबको आइसक्रीम खा के और भी ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। फिर सब साथ में बैठ के आइसक्रीम खाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि लीजन एंड जूयो बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर डोंग आता है और कहता है कि हमें हमारे गेम को और भी ज्यादा आगे लेवल पे लेके जाने के लिए और ज्यादा चीजें करनी होंगी, जिसपे सभी लोग अग्री होते हैं। दूसरी तरफ हम गाँव को देखते हैं जो कि एक कंपनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, जहाँ पे एक आदमी कहता है कि उसकी वाइफ उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। तभी वो अपने फोन में देखता है तो लीना का एक भी मैसेज नहीं था। जब वो घर जाता है तो देखता है कि लीना सो चुकी है। लीना के पास में टैबलेट पड़ा हुआ था। जब वो टैबलेट ओपन करके देखता है तो वो देखता है कि उसमें लीजन के साथ की फोटोज है, जिससे वो समझ जाता है कि लीना अभी भी लीजन को लेकर ऑब्सेस्ड है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लीना उठकर बाहर आती है तो देखती है कि गाओ ऑलरेडी उठ चुका है और उसका वहाँ वेट कर रहा है। गाओ कल रात के बारे में लीना से पूछता है तो वो कहती है कि मैं जल्दी सो गई थी क्योंकि मैं थक गई थी। फिर वो वहाँ बैठ जाती है, जिसके बाद वो कहता है कि हमारी कंपनी एक न्यू गेम लॉन्च करने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके एम्बेसडर बनो, लेकिन वो मना कर देती है, जिस पर गाओ गुस्सा होता है। पर लीना उसकी बात सुने बिना वहाँ से जाने लगती है, जिससे गाओ उसे कहता है कि तुम बैठ जाओ, जहाँ पर लीना चुपचाप बैठ जाती है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि लीना किसी न किसी बात से गाओ से डरती है। फिर गाओ उसके पास आता है और उसे फोर्सफुली एग खिलाता है जो वो नहीं खाना चाहती थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा अनकम्फर्टेबल फील करती है, लेकिन वो गाओ के सामने कुछ कह नहीं पाती है और एग खा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीना गाओ के कहने पर फोटोशूट करवा रही है, यानी वो एम्बेसडर बन चुकी है। नेक्स्ट सीन में वो अपने ड्रेसिंग रूम में रेडी हो रही थी, तभी गाओ उसके पास आता है। लीना उसे कहती है कि मुझे कुछ सालों के लिए अब्रॉड पढ़ने के लिए जाना है क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स भी वहीं हैं और मैं यहाँ बहुत बोर होती हूँ, जिस पर गाओ कहता है कि हम वहाँ जाएंगे लेकिन जब मैं रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद। तो लीना कहती है कि उसमें तो कई साल लगेंगे, तब तक क्या मैं यहीं रहूंगी? तो गाओ कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और इस टाइम पर तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो क्योंकि कंपनी को तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जिससे लीना बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि गाओ को लीना की जरूरत सिर्फ उसकी कंपनी के लिए है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूयो की पूरी टीम एक कॉन्फ्रेंस में आई हुई है, जहाँ पे उनके गेम को लॉन्च किया जाने वाला है। तभी वो देखती है कि एक बहुत ही बड़ा सा पोस्टर लगा है, लेकिन वो उनके गेम का पोस्टर नहीं होता है। पता चलता है कि गाओ ने सिर्फ उनके गेम जैसा ही गेम निकाला है और उनके कॉर्नर पर तो कोई भी आया हुआ नहीं था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होते हैं। तभी वहाँ पे लीजन आ जाता है, जो वो पोस्टर देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सब गाओ का ही प्लान है और फिर वो गुस्से से गाओ को भी देखता है, लेकिन गाओ तो उसे देख के स्माइल करता है कि कैसे पता था कि लीजन उसका कुछ नहीं कर सकता है। जब लीजन अपने टीम के पास जाता है तो सभी बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि गाओ ने उनके गेम जैसा ही आइडेंटिकल गेम निकाला है और उसकी कंपनी इतनी पॉपुलर है इसलिए मोस्ट ऑफ यूजर भी वहीं जाएंगे, जिससे वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी जांग दूसरे टीम के पास जाता है और उनका पोस्टर्स तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पुलिस भी आ जाती है और उन्हें रोकती है। पता चलता है कि उन्हें वहाँ से जाने का ऑर्डर मिल जाता है और अब वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होते हैं। जब लीजन अपने घर में बैठ के काम कर रहा था तभी हाओ से पूछता है कि क्या हुआ, तो लीजन उसे सारी बातें बता देता है। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर वो कुछ काम से घर के बाहर जाता है। सेम टाइम पे हम देखते हैं कि गाओ अपनी कंपनी में है, जहाँ पे पता चलता है कि कोई उसका सिस्टम हैक कर रहा है, जिससे वो समझता है कि ये लीजन ही कर रहा है, जिससे फांग दूसरे हैकर्स को बुलाने का ट्राई करता है ताकि वो इन्हें रोक सके, लेकिन गाओ ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि अगर हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो लीजन को कितने सालों की जेल होगी ये तो सोचो, इसीलिए वो हैक कर रहा है तो हैक करने दो, इससे हमारा ही फायदा होने वाला है। जिससे फांग भी हंसता है क्योंकि लीजन अगर उनकी लाइफ से चला जाए तो उनकी लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी। दूसरी तरफ लीजन हाओ का कंप्यूटर लेके बैठा हुआ था, तभी हाओ वहाँ आ जाता है। पता चलता है कि वो हैकिंग दरअसल में लीजन ने नहीं बल्कि हाओ ने करी थी, जिससे लीजन उस पर गुस्सा होता है। तो हाओ से कहता है कि हम दोनों कितने स्मार्ट हैं, फिर भी हमें इस जगह पे रहना पड़ रहा है, अगर हम अपनी लाइफ अच्छी करना चाहते हैं तो हमें ये सब तो करना पड़ेगा। लेकिन लीजन उसे कहता है कि ऐसा सब करने से कुछ नहीं मिलेगा और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिससे डर के हाओ भागने लगता है। तो लीजन उसे रोकता है, हाओ कहता है मुझे वापस जेल नहीं जाना है। लीजन कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, हमें जेल नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लीजन एंड हाओ को पुलिस वहाँ से ले जाती है और लोग खड़े खड़े उन लोगों के बारे में बातें करने लगते हैं। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी गाओ बैठा हुआ था, जो कहता है कि इन्होंने हमारा गेम हैक करके हमारा यूजर डेटा भी चुरा लिया है, लेकिन लीजन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और दोनों में बहस होने लगती है। सेम टाइम पे वहाँ पे जूयो आ जाती है, लीजन कहता है कि अब ये प्रूफ करेगी कि ऐसा कुछ नहीं है, जिससे वो कंफ्यूज होता है। पता चलता है कि जब भी कोई अगर सिस्टम हैक होता है तो उसका ट्रेस छोड़ा जाता है कि सामने वाले पर्सन ने क्या क्या किया है, जिससे गाओ समझ जाता है कि अगर जूयो सब पता लगा लेगी तो उसे समझ आ जाएगा कि दरअसल में डेटा लीजन ने नहीं चुराया है बल्कि उसने खुद ही डिलीट
डिलीट किया था, इसीलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में जुयु लीजन का वेट कर रही थी, तभी लीजन एंड हाओ वहाँ आते हैं और उनके आते ही जुयु हाओ पे गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि तुम मुझे बोलने वाली कौन होती हो, वैसे बीते सालों में वो प्रिजन में तुम्हारी वजह से था, जिस पर लीजन उसे चुप करवाता है। जुयु कुछ और बोलती लेकिन इसके पहले तो हाओ और भी ज्यादा बोलने लगता है, जिस पर लीजन हाओ पे गुस्सा करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है और हाओ भी वहाँ से चला जाता है। जब वो घर आते हैं तो वो देखते हैं कि हाओ एंड लीजन का सारा ही सामान घर से बाहर निकाल दिया गया है, जिससे हाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तो लीजन उसे कंट्रोल करने का ट्राई करता है लेकिन हाओ का गुस्से का कंट्रोल नहीं हो पाता है और वो कहता है कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, भला हमने ऐसा क्या किया है। और वो कहता है कि तुम्हारे कोई भी फ्रेंड्स तुम्हारे रियल फ्रेंड्स नहीं है और सबसे खराब तो जुयु है, उसकी वजह से ही तुम्हारी लाइफ खराब हो रही है, इसीलिए तुम इन सबको छोड़ के मेरे साथ चलो। तो लीजन कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन ये सब कुछ सुन के गाओ गुस्सा होता है और उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, और गुस्से में वहां से चला जाता है, जिससे सभी बहुत ही ज्यादा अपसेट होते हैं। अब लीजन के पास सोने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए वो ऑफिस के स्टोर रूम में ही सोने का डिसाइड करता है। यहाँ हम देखते हैं कि लीजन एंड जुयु दोनों ही भीग चुके हैं, जिसे लीजन उसे टी देता है पीने के लिए, साथ ही वो उसे कुछ कपड़े भी देता है ताकि वो चेंज कर सके। फिर वो कपड़े चेंज करने जाती है लेकिन उसके पास कोई ट्राउजर्स नहीं थे, इसलिए वो आकर उससे ट्राउजर्स मांगती है लेकिन उसके ट्राउजर उसे फिट नहीं होते हैं, जिससे वो कहती है कि कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूंगी। फिर लीजन उसे सोने को कह के वहां से जाता है और जुयु उसे देखकर स्माइल करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जुयु उठती है तो वो देखती है कि लीजन अभी भी सो रहा है, जिससे वो उसे देखती है और उसके पास जाती है, लेकिन वहाँ पर तो लीजन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। दरअसल उसका बैक पेन बहुत ज्यादा ही हो रहा था, जिससे जुयु उसकी हेल्प करने लगती है और उसे खड़े करने का ट्राई करवाती है, लेकिन सेम टाइम पे वहाँ पे उसके टीम मेंबर्स आ जाते हैं जो दोनों को ऐसे सिचुएशन में देख के ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी जुयु के पास आते हैं और उसे टीज करने लगते हैं कि वो यहाँ पे रात को लीजन के साथ रुकी थी, लेकिन वो सबको समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो लीजन से कहती है कि तुम सबको ये सब बातें क्लियर करो, लेकिन लीजन भी उसे टीज करने लगता है और वो जाके अपने सीट पर बैठ जाती है, जिस पर लीजन उसे देख के स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में जब वो घर जाती है तो वो लीजन को ही याद कर रही थी और जो शर्ट लीजन ने उसे दी थी वो उसे हग करके सो जाती है। नेक्स्ट डे जब जुयु ऑफिस जा रही थी तब उसे रास्ते में अपनी गेम का पोस्टर दिखाई देता है, जिससे वो उसकी पिक्चर क्लिक करने लगती है, लेकिन तभी कोई आके वो पोस्टर हटा के उसके सामने बड़ा सा गाँव के कंपनी का पोस्टर रख देता है, जिससे वो अपसेट होती है। तभी फांग वहाँ आ जाता है जो उसे इंसल्ट करने लगता है और उसे कहता है कि तुम हमसे आगे कभी नहीं जा पाओगी, लेकिन जुयु उसे कहती है कि ऐसा तुम्हें लगता है, हम तुमसे आगे भी जाएंगे और बहुत सारे पैसे भी कमाएंगे, ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। जब वो कंपनी के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि डोंग अपनी कार बेच रहा है, क्योंकि अब उनके कंपनी के पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसे चाहिए वो अपनी कार बेच के ही कमाएगा, जिससे वो और भी ज्यादा टेंस होती है। कंपनी के अंदर जाके सभी यही बात कर रहे होते हैं कि गांव की कंपनी कैसे भी करके उन्हें एलिमिनेट करना चाहती है और वो नहीं चाहती है कि वो मार्केट में रहे, जिससे जुयु बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। नेक्स्ट सीन में वो कैफे में जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि लीजन कुछ लड़कियों से बात कर रहा है, जो देख के वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती है। फिर वो लीजन के पास आती है, जिससे वो लड़कियां वहां से चली जाती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मेरा फ्री टाइम है, यहाँ मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और ऐसा कह के वहां से चला जाता है। जब वो कंपनी पहुंचती है तो वो देखती है कि सभी लोग अपना कुछ कुछ सामान जमा कर रहे हैं। तभी वहाँ पे डोंग आ जाता है, वो कहता है कि हम कंपनी बंद नहीं करने वाले हैं, जिस पर वो सभी कहते हैं कि हमें पता है कि कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए हम अपना सामान बेचकर आपको पैसे देना चाहते हैं। लेकिन तभी डोंग सबको पैसे दिखाता है और कहता है कि मैंने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया है, जिससे सभी शॉक रह जाते हैं। सभी उससे पूछते हैं कि अब हम क्या करें, तो वो कहता है कि हमें टीम बिल्डअप करना पड़ेगा। पता चलता है कि सभी एक रोड ट्रिप पे जा रहे हैं और सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो रिजॉर्ट पहुंचते हैं जो कि काफी बड़ा सा रिजॉर्ट था। साथ में बैठ के सभी डिनर करने लगते हैं और वहाँ पर जुयु ड्रिंक करने लगती है, जो देखकर लीजन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए लीजन भी उसकी ड्रिंक लेकर खुद ड्रिंक करने लगता है। ये सब देखकर सब कहते हैं कि लीजन जुयु को लेकर कितना ही प्रोटेक्टिव है और सभी साथ में बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने लगते हैं। तभी लीजन खड़ा होता है और वहां से जाने लगता है। डोंग उसे रोकने का ट्राई करता है लेकिन वो नहीं रुकता है, जिससे सभी हंसते हैं। जब वो अपने रूम में जाता है तब हम देखते हैं कि उसके बैग में से उसका जुयु का फोटो गिर गया है। यहाँ सब लोग डिनर कर रहे थे, जहाँ पर जुयु सभी को बता देती है कि गांव उनके पीछे सिर्फ उसके और लीजन की वजह से पड़ा हुआ है। फिर वो उन्हें अपनी सारी स्टोरी बताती है कि कैसे कॉलेज में वो लोग साथ में थे और कैसे लीजन ने फांग को मारा था, जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो गया था और उससे जेल हो गई थी, और इसी का एडवांटेज उठाते हुए गांव ने पूरी कंपनी अपने नाम पे करवा ली और इसीलिए वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि लीजन अब वापस आ गया है तो वापस से वो कंपनी जीत सकता है, जिससे वो कैसे भी करके हमें मार्केट से हटाना चाहता है।
जिस पर डोंग कहता है कि ये सब मुझे पहले से ही पता था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मेरी कंपनी में किसी भी प्रिजन से निकले हुए आदमी को इंटरव्यू देने देता? लेकिन मुझे पहले ही पता था कि एलएनपी कंपनी का फाउंडर वो ही था, इसीलिए मैंने उसे अपनी कंपनी में जॉब दी। नेक्स्ट सीन में जूयू अपने रूम में जाती है तो वो वहाँ देखती है कि किसी के बैग्स रखे हुए हैं। तभी पता चलता है कि उसी रूम में लीजुन भी है। वो कहती है कि कंपनी ने मुझे भी यही रूम दिया है, तो वो कहता है कि इस रूम के अंदर दो रूम्स हैं, तो तुम जो रूम में चाहो उसमें रह सकती हो, और ऐसा कहके वो वहाँ से चला जाता है। तभी जूयू की नजर जाती है कि लीजुन के पास उसका जूयू का पिक्चर है, जो देखकर वो स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में लीजुन जब हॉट स्प्रिंग में बैठा हुआ था, तभी वहाँ पे जूयू आती है और उसके पास ही बैठ जाती है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद जूयू कहती है कि तुम्हारे पास मेरी पिक्चर क्या कर रही है, तो वो कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो और अगर फाड़नी है तो फाड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद वो कहती है कि क्या हम वापस कभी कपल नहीं हो सकते हैं? लेकिन लीजुन कहता है कि हमारे लिए ये सब सही नहीं रहेगा, अभी हम जहाँ है हम वही सही है, और ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है, जिससे जूयू थोड़ी सी अपसेट होती है। नेक्स्ट डे जूयू वापस से लीजुन के पास जाती है, जो कुछ काम कर रहा था, जहाँ पर वो पूछती है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हम कैसे एलएनपी को हराएंगे। तो वो कहता है कि मैंने गेम कुछ इस तरह से डिजाइन किया है जिससे वो जल्दी से हमें कॉपी नहीं कर पाएंगे, और वो यही सोचते रहेंगे कि हम कॉपी उसे कैसे करें, इतने में हम स्ट्राइक बैक कर देंगे और हम ही वो वॉर जीत जाएंगे, जिसे जूयू उसे देखती है और लीजुन भी उसे देखता है। इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।